हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने देखना स्टार्ट किया था। बेसिकली जो सेल के थ्री बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट होती है सेल वॉल, ठीक है। उसके फंक्शंस को हम डिटेल से लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज जो हमने पढ़ना है सेकंड कंपोनेंट सेल का, जो इम्पोर्टेंट और मेजर ऑलमोस्ट तमाम सेल्स में मौजूद होता है, वो है साइटोप्लाज्म। अगर जनरल सा कंसेप्ट देखा जाए कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, बेसिकली ये वो फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर तैर रहा होता है, जिसके अंदर बाकी के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो तैर रहे होते हैं, ठीक है। लिक्विड होता है माया, जिसके अंदर सेल के तमाम जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि जिसे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गॉल्जी अपैरेटस वगैरह और न्यूक्लियस वगैरह वो तैर रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन ने उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाई थी, यानी कि बाहर की कवरिंग बनाई हुई थी। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड होता है जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो तैर रहे होते हैं। अगर इसको डिटेल से देखें तो साइटोप्लाज्म का मतलब, साइटो का मतलब सेल से निकले, ठीक है। सेल के स्टडी को ज्ञात होगा, जब हम लोगों ने ब्रांचेस पढ़ी थी तो हमने साइटोलॉजी का डेफिनेशन में पढ़ा था, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटो का वर्ड सेल को इंडिकेट करता है एंड प्लाज्म लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लूइड, यानी कि माया, यानी कि सेल के माया को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। सेल के माया को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। अगर हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जनरली मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि सेल के दरमियान जो लिक्विड, सेल के दरमियान में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जो अपना मुख्तलिफ वर्कआउट करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो जिस माया के अंदर तैर रहे होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज अ थिक सॉल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल एंड इट इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। थिक गाढ़ा, ये गाढ़ा जो होता है वो सॉल्यूशन होता है जो कि हर सेल के अंदर पाया जाता है, और इनक्लोज्ड होता है यानी कि कवर किया हुआ होता है, जिसे जो या हम कह सकते हैं जो कि बंद होता है बाय द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इट मेनली कम्पोज ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। इसमें ज्यादातर सॉल्ट, वाटर और प्रोटीन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो भी साइटोप्लाज्म होता है वो बाकी हमारे बॉडी के तमाम लिक्विड से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो तैर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी कम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है। इन यूकैरियोटिक सेल्स द साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक, दो टाइप के हमने सेल्स पढ़े थे, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में बकायदा न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रो का मतलब था बिफोर एंड क्रियोटिक का मतलब अगर हम न्यूक्लियस देते हैं तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्स नहीं पाया जाता उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो है साइटोप्लाज्म, जो जितना भी पोर्शन होता है, हमने ये तो देख लिया कि साइटोप्लाज्म को हम सिंपल कहते हैं कि जो सेल का लिक्विड होता है उसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया। लेकिन जब हमने प्रोकैरियोट्स पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि उनके अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं था, उनके अंदर उनका न्यूक्लियस ऐसे ही प्रेजेंट था, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही तैर रहा होता था। तो जो साइटोप्लाज्म है यूकैरियोटिक सेल्स या एनिमल सेल्स में, हम कह सकते हैं कि सिर्फ सेल के अंदर वाला तमाम हिस्सा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी जो लिक्विड पाया जाता है वो भी, और जिसमें तमाम ऑर्गेनेल्स तैर रहे होते हैं वो वाला हिस्सा भी साइटोप्लाज्म कहलाता है। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा केस नहीं होता, उनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता, इसलिए उनके अंदर तमाम जो भी लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये तो थी सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स, यानी कि कितने हिस्से होते हैं जो साइटोप्लाज्म में। इसको हम बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन। साइटोसोल क्या होता है, वो लिक्विड जिसमें के ऑर्गेनेल्स तैर रहे होते हैं उसको हम सिंपल साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। वो माया जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स ने तैरना होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल।
ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है जस्ट लाइक अ स्मॉल ऑर्गन, ठीक है, जैसे छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं सेल के, ऑर्गन जो होते हैं वो जो कि मुख्तलिफ वर्कआउट परफॉर्म करते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूजन। इंक्लूजन डिफरेंट टाइप की होती है, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, जैसे ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन हो गया, ग्लूकोज हो सकता, ग्लूकोज को छोड़ के इसके अलावा मेलानिन हो गया, इस टाइप के जो होते हैं वो कहलाते हैं। इसके अलावा मेलानिन जैसे कि हमारी बॉडी का कलर जो मेन पिगमेंट्स होता है, पिगमेंट्स हो गए, हमारी बॉडी का जो होता है वो स्किन टोन का कलर मेंटेन करता है मेलानिन। अगर इसकी जो अमाउंट ज्यादा होगी तो हमारी स्किन डार्कर होगी, इसकी अमाउंट कम होगी तो लाइटर होगी। तो इस टाइप के जितने भी मटेरियल सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो इसकी इंक्लूजन कहलाते हैं, ठीक है। वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं। साइटोसोल अगर हम सबसे पहले देखें, हमने बताया कि साइटोसोल क्या होता है, जस्ट वन एलिमेंट इन दी साइटोप्लाज्म, सिर्फ एक एलिमेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इट्स द लिक्विड दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनेल, ठीक है, ये सिर्फ वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है जो कि सेल के बाहर मौजूद होते हैं और मेक 70% ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। वो लिक्विड जो कि सेल के अंदर डेट एग्जिस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल के जो अंदर होगा, सेल के बाहर जितना भी लिक्विड होता है उसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स के बाहर जितना भी लिक्विड होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, जिसके अंदर जो है हमारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो तैर रहे होते हैं। 70% ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम कहते हैं, हमारे सेल का 70% हिस्सा बनाता है। हम इसकी कंपोजिशन में वाटर, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मौजूद होते हैं ताकि हमारे जो ऑर्गेनेल्स है या हमारे जो सेल का है वो बैलेंस बरकरार रख सके। नेक्स्ट है इंक्लूजंस। इंक्लूजंस आर दी नॉन लिविंग एलिमेंट्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, बेजान एलिमेंट्स होते हैं, डेड लैक, लैक का मतलब होता है ना होना या कमी रखना, मेम्ब्रेन्स एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, जिनका अपना कोई मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं होता और लेकिन ये मेटाबॉलिक फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इनकी कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ठीक है, मेम्ब्रेन सिंपल झिल्ली अगर हम कह दें, विच एग्जिस्ट इन साइड साइटोसोल, जो कि साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। साइटोसोल क्या था? लिक्विड था सेल का। द मोस्ट कॉमन इंक्लूजंस आर लिपिड, ड्रॉपलेट, क्रिस्टल्स, पिगमेंट्स एंड ग्लाइकोजन, जो ज्यादातर इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं लिपिड, जो यानी कि चिकनाई के छोटे छोटे जरात होते हैं, वो क्रिस्टल्स, पिगमेंट्स एंड ग्लाइकोजन ये मौजूद होते हैं। बाकी ऑर्गेनेल्स जो हो गए, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉजियोपेटस, इन तमाम का अलग अलग फंक्शन होता है जिनको आगे हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन। साइटोप्लाज्म हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारी जो सेल का लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसकी लोकेशन देखी जाए तो साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, तमाम सेल्स के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, सेल के अंदर लेकिन ऑर्गेनेल्स के बाहर, जस्ट जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर का मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में इंक्लूड होता है, बाकी कोई नहीं होता, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसको हम सेल का, साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं करते, उसको हम सेल का थर्ड मेजर पार्ट कंसिडर करते हैं। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल बनता है, प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, हमारे जिस्म में क्या काम करता, क्या क्या किरदार अदा कर रहे होते हैं। द साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, जो हमारे सेल के कंपोनेंट जिनको हमने ऑर्गेनेल्स यानी कि स्मॉल ऑर्गन्स का नाम दिया था, उनको होल्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज, और इनको डैमेज होने से यानी कि तबाह होने से जो है साइटोप्लाज्म बचा रहा होता है। कैसे? लिक्विड होता है जिसकी वजह से इनके अंदर फ्रिक्शन नहीं होती, और इसके अंदर जो होता है डिफरेंट तरह के साल्ट्स, प्रोटीन वगैरह होते हैं जो कि इन ऑर्गेनेल्स का अंदर का एनवायरनमेंट भी ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट एंड वाटर इनके अंदर आ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर का जो है एनवायरनमेंट भी मेंटेन रहता है, और सेल को अपना प्रॉपर वर्क परफॉर्म करने के लिए हीमोस्टेसिस यानी कि अपना बैलेंस बरकरार रखना जरूरी होता है। अगर ये बैलेंस खराब हो जाए तो सेल अपना वर्क सही से परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट जो साइटोप्लाज्म का होता है, इम्पोर्टेंट फंक्शन हम कह सकते हैं,
इट स्टोर्स दी मॉलिक्यूल दैट रिक्वायर फॉर सेलुलर प्रोसेसेस, ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है, जमा करता है, जो कि सेलुलर प्रोसेसेस, जैसा कि हमने पढ़ा है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोलाइसिस के लिए, यानी कि जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही होती है, हम कुछ भी खाते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उस एनर्जी को हासिल करने के लिए जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, जो हम खा रहे होते हैं, हम बाय डाइट डाइट के जरिए अपनी बॉडी में ले रहे होते हैं, उनको भी स्टोर करता है। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द सेल इट्स शेप्स। साइटोप्लाज्म का बेसिक फंक्शन क्या होता है, सेल को शेप भी देता है, क्योंकि ये लिक्विड होता है, तमाम ऑर्गेनेल्स के अंदर तैर रहे होते हैं, और ये अपना खास वॉल्यूम जो है वो बरकरार रखता है, जिसकी वजह से जो है सेल की शेप भी मेंटेन रखती है। ये तो था साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। सिंपल सेल के लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तमाम सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं वो पूरे का पूरा मटेरियल, जितना भी लिक्विड होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल और ऑर्गेनेल्स के बाहर का मटेरियल, सिर्फ सेल के अंदर का यानी का मटेरियल जो होता है उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, साइटोसोल जस्ट उस लिक्विड को कहते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, जबकि साइटोप्लाज्म में वो लिक्विड जो कि तैर रहा होता है वो और ऑर्गेनेल्स दोनों शामिल होते हैं। पार्ट्स के लिहाज से अगर हम देखें, थ्री बेसिक पार्ट्स होते हैं इसके, साइटोसोल्स, ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन। साइटोसोल लिक्विड होता है जो कि अंदर तैर रहा होता है, ऑर्गेनेल्स छोटे छोटे ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अपना डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इंक्लूजन जो होती है वो मेम्ब्रेन विदाउट एनी मेम्ब्रेन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़े फंक्शंस के, फंक्शंस क्या होते हैं सेल साइटोप्लाज्म के, ये जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनको होल्ड करते हैं, सेल को शेप देते हैं, ठीक है। ये तो था साइटोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट हम स्टार्ट करेंगे वो ऑर्गेनेल्स से करेंगे, और कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद हम इसका थर्ड मेजर पार्ट यानी कि न्यूक्लियस को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऑर्गेनेल्स को समझ आ जाएगा तो आपको इजीली आगे फर्दर कंटिन्यू करना आसान होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।